स्वस्थ शुक्ला नर्सिंग होम के अस्वस्थ कर्मचारी। हमारे नर्सिंग होम के कुछ रूल्स हैं। क्या है? डॉक्टर पढ़ा हुआ है? नहला? नहला नहीं बे तीन पतिये, पहला जो मैंने लंदन में सीखा, अपने नर्सिंग होम को एकदम साफ सफाई से फाइव स्टार होटल की तरह फिट फाट 80 घाट की तरह रखो और मरीज को देखते ही ना एडमिट कर लो। इससे क्या होगा? इससे सर बीमारी का पता लगेगा। नहीं महामूर्ख, इससे नर्सिंग होम का बिल बढ़ेगा। पर बीमारी का पता कैसे लगेगा? वो तो टेस्ट के बाद पता चलेगा। बिल्कुल सही, सब टेस्ट कर लो, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, सब कर लो। पर बीमारी का पता लगने से पहले? ओहो, जब टेस्ट करेंगे तो बीमारी का पता लगेगा ना। हाँ एकदम सही टेस्ट, यहाँ तक कि टेस्ट का भी टेस्ट कर लो कि सही है कि गलत, और तब तक मरीज को एडमिट रखो। कब तक एडमिट रखे? अरे जब तक मरीज जो है बीमार नहीं हो जाता। अरे तभी तो इलाज कर पाओगे ना दिल खोल के। बहुत दर्द हो रहा है गोचर। आराम से आराम से। अरे मैं मर जाऊंगा मुझे लग रहा है। आराम से आराम से। अरे आराम से मर जाऊं? आराम से कह रहा है। इधर चलो, इधर। कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर के पास। अच्छा भाई साहब, ये मेरे दोस्त हैं, इनके पेट में बहुत दर्द है। रियली? ओ एडमिट हो जाओ। अरे पहले पता तो चलेगा दर्द क्यों है, फिर एडमिट होऊंगा। हाँ तो एडमिट होंगे तो पता चलेगा ना कि दर्द क्यों है। अरे ऐसे कैसे एडमिट हो जाऊं? तो कैसे एडमिट होंगे? पहले डॉक्टर को दिखाओ। हाँ तो डॉक्टर भी यही कहेगा क्या कि एडमिट हो जाओ। अरे भाई मुझे डॉक्टर से मिला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कब से हो रहा है दर्द? अरे सवाल मत पूछो यार, पर्ची बना दो, जाने दो। ओ भाई साहब सवाल नहीं करूंगा तो पर्ची क्यों बनाऊंगा मैं? अच्छा तो भाई करो सवाल। ओके पहली बार यहाँ आए हो? हाँ। ओके फिर तो फॉर्म भरना पड़ेगा, ये लो फॉर्म। अरे इतना लंबा फॉर्म, उसको भरते भरते तो मैं लंबा हो जाऊंगा। आराम से। हाँ मगर फिर भी फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना। अरे भाई चलो तुम भर दो। मैं? हाँ। ओ भाई साहब मुझे ना यहाँ अपना काम करने की तनख्वाह मिलती है, दूसरों का नहीं। अरे भाई तुम्हें कुछ दे दूंगा, भर दो ना। अच्छा लाओ। आराम से ये लो। ये क्या? ओ भाई साहब ये सरकारी अस्पताल नहीं है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, 100 रुपये दो। आराम से। ओके नाम? नाम मुसद्दीलाल थापर। कहाँ रहते हो? घर पर। किसके? किसके घर पर? अपने घर। अपने घर पर रहता हूँ भाई। अच्छा एड्रेस? एड्रेस 90/100 कौन सा मोहल्ला भाई? आजाद नगर। आजाद नगर। उम्र? उम्र 40 है। 40। काम क्या करते हो? और काम से क्या लेना देना भाई? अरे भाई काम से तो लेना देना है ना, जब तक पता नहीं चलेगा कि काम क्या करते हो पता कैसे चलेगा कि कितनी फीस दे पाओगे। दुकान है। किस चीज की? चीज की दुकान है। हाँ मतलब किस चीज की? चीज की दुकान है भाई। अगर चीज का कोई नाम है, नाम होगा ना, फोन की, टेबल की, पेंसिल की। अरे भाई चीज मतलब चीज की दुकान है यार, और क्या। भाई साहब आपके पेट में दर्द है ना? बहुत दर्द हो रहा है भाई। मेरे सर में दर्द क्यों कर रहे हो आप? साफ साफ क्यों नहीं बताते किस चीज की दुकान है? अरे यार तुम कमाल के आदमी हो, कब से कह रहा हूँ चीज की दुकान है, चीज की दुकान है, फिर पूछा जा रहा है कि किस चीज की दुकान है। वेट होल्ड होल्ड, कहीं आप चीज की तो बात नहीं कर रहे हो? हाँ भाई मैं चीज की बात कर रहा हूँ। चीज पनीर, आई लव दैट, आई लव दैट। साहब साहब हिंदी में क्यों नहीं बोला आपने? अच्छा 500 रुपये दो। 500 रुपये क्यों? अरे भाई डॉक्टर साहब की फीस। अरे पहले डॉक्टर मिलेगा तभी तो फीस दूंगा। फीस दोगे तो मिलेगा ना। अच्छा आराम से आराम से। ओ वाह, ओ वाह, भाई आराम से। ओके ठीक है, अभी ये फॉर्म भरो। फॉर्म भर दिया है मैंने। हाँ। वहां पर बैठो। हाँ। नंबर आएगा तो बुलाएंगे। कब आएगा नंबर? थोड़ी देर में आ जाएगा। कितनी देर में? थोड़ी देर में। थोड़ी कितनी देर में भाई? थोड़ी थोड़ी देर में। अरे चलो भाई आराम से आराम से। अरे कर आराम से, सारा बोझ मुझ पे डाला हुआ, आराम से कर। हटो साइड में। नेक्स्ट। भाई साहब मुझे वार्ड नंबर 2 में शर्मा जी से मिलना है। एडमिट हो जाओ। क्या? आराम से आराम से। अरे मर जाऊंगा मैं। आराम से आराम से। अरे तुम आराम आराम से। मेरी वार्ड बॉय को बुला के लाओ भाई। आराम से आराम से। अभी आता है। ये आ गया। क्या बात है भाई, क्या रहता फैला रखा है? अरे भैया मेरे पेट में दर्द बहुत हो रहा है। आराम से आराम से। अरे मुझे डॉक्टर से मिलवा दो। अरे भाई जब नंबर आएगा तभी तो जाओगे। अरे जब तक डॉक्टर से मिलने का नंबर आएगा तब तक तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा। आराम से आराम से। भाई साहब जब डॉक्टर बुलाएंगे तभी आप अंदर जा सकते हैं। अरे भाई जब तक डॉक्टर बुलाएगा तब तक तो मेरा उम्र की तरफ बुलावा आ जाएगा। आराम से आराम से। अरे जब रहो तुम आराम से आराम से भाई। अरे भाई मुझे अंदर भेज दो। क्या भेज दो? भेज दो। दो? हाँ दो। हाँ दो। दो? अरे क्या भाई पूछ रहे हो, मांग रहे हो? भाई अगर अंदर जाना है तो मांग रहा हूँ, नहीं तो पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ अच्छा आराम से।
ये लो। उधर लाश में जाके बैठो। अरे पर तुम तो कह रहे थे अंदर भेज दोगे। अगर बेइज्जती करोगे तो नहीं भेजूंगा। मैंने कहा बेइज्जती की? यहाँ की, अभी की। कैसे? ये 10 का नोट दिखा के आराम से। ये लो भाई 10 रुपए और दो। अब जाओ। अरे बैठे क्यों, तुम्हारे तो नंबर है। हाँ हाँ हाँ, तकलीफ क्या है? ये पेट में दर्द है। अच्छा अच्छा भैया, आपसे नहीं फोन पर बात करें। हाँ हाँ, सांस लो, अम्मा सांस लो। आप मुझसे कह रहे हैं कि फोन पे कह रहे हैं? नहीं नहीं भैया, फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ जब जीप दिखाओ। हाँ आँख दिखाओ एक मिनट। आप आँख क्या घूर क्यों रहे हमको? आपने कहा आँख दिखाओ। क्या आप ही ने तो कहा आँख दिखाओ। यार फोन पे कह रहे हैं आप चलिए, आप पेट दिखाई। देखिए यहाँ डेड है? नहीं। हाँ यहाँ डेड है? नहीं। तो डेड कहाँ है आपके? अरे भाई पेट में दर्द है। तो पेट कहाँ है आपका आजकल? वो वहीं पे है भाई जहाँ कल परसों था। हाँ तुम कंफ्यूज करो। हाँ सुनिए सर, आपका जो ना आँख की कुछ प्रॉब्लम है, या आप एडमिट हो जाइए। मोस्ट वेलकम। यस सर। खामखा। हाँ अब आप बताइए आपकी तकलीफ क्या है? जी मेरे पेट में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। इधर आइए। ओ नो, क्या हुआ? ओ माय गॉड, क्या हुआ क्या डॉक्टर साहब? अरे भगवान का भरोसा रखो। नहीं बात क्या हुई है? देखो यार सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे बात क्या है डॉक्टर साहब? देखो यार दुनिया में इतनी दवाई निकली है, ठीक तो हो जाओ तुम। अरे आप बता क्यों नहीं रहे, क्या हुआ है? एक ही बताओ, तुम्हारे साथ कोई आया है? मेरा पड़ोसी आया है। नहीं नहीं, वो नहीं, कोई नजदीकी रिश्तेदार? डॉक्टर साहब साफ साफ बताइए क्या बात है। किसी को बुला लो यार। मेरा कोई नहीं है डॉक्टर साहब। तब ठीक है जी। हाँ मैं, तुम एडमिट हो जाओ बस। नहीं पर डॉक्टर साहब। एक मिनट, घबराओ मत, घबराओ मत। उषा जी। जी लीजिए, इनको जल्दी से एडमिट कीजिए और दो चार बोतल ग्लूकोज तो चढ़ा ही दीजिए। नहीं पर डॉक्टर साहब। बोला ना दोस्त, भरोसा रखो भगवान पर, प्लीज। आइए आइए उठिए। हाँ जी आइए आराम से। चलिए। हाँ हेलो। अरे यार अब घर पे कहाँ से आए, हम तो लंदन से जब से आए यहीं रुके हुए हैं यार। फोन पे ही चेकअप कराओ। हाँ चलो जीप दिखा दो। हाँ आ, ये क्यों लगा रही है सिस्टर? मेरी तबीयत ठीक है। अब नहीं रहोगे क्या? हाँ ये रहा बिल। क्या? हाँ 1000 रुपए एडवांस। काहे का? अरे भाई एडमिट करने का, उसके बाद ग्लूकोज चढ़ाने का। क्या? आराम से मुसद्दी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? अब बिल देखने के बाद तो ठीक नहीं रही। यही तो, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बस ये बिल पे करना है। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई। अरे मेरे दोस्त खोचर। हाँ मुसद्दी। भाई जरा मेरी दुकान पे चला जा, मैं गंगू को बिठा के आया था, उससे थोड़े पैसे ले आ। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। और खोचर कुछ खाने पीने के लिए ले आइए। हाँ कुछ फ्रूट वगैरह ले आना, कचौरी समोसे भी। और वो तो बीमार को मना होते हैं। अरे आपको मैं बीमार लगता हूँ क्या? जा खोचर जल्दी जा। अभी आता हूँ मुसद्दी। है आराम से आना। अरे मुझे मेरी तबीयत खराब लगने लगी है, हाथ पाँव ठंडे पड़ रहे हैं। हाँ, तो एक काम करो, ये लो सब्जी काटो। क्या? हाँ हाथ चलते रहेंगे तो सुननी पड़ेंगे ना, काटो काटो। संभाल के। खाओगे? नहीं नहीं, खाओ तुम खाओ। अरे मैडम मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि 3 दिन से मुझे यहाँ एडमिट किया हुआ है, तकलीफ क्या है ये बता नहीं रहे, बस ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे हैं। पहले तुम्हारी कमजोरी दूर करेंगे, फिर चेकअप होगा। कैसा चेकअप? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी वगैरह वगैरह। पर भाई मेरे तो पेट में दर्द है, ये सब क्यों करोगे? अरे पता लगाएंगे ना कि दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा इससे पता चल जाएगा कि क्यों दर्द हो रहा है? शायद पता चल जाए, who knows, maybe. ऐसा maybe, कब होगा टेस्ट? हाँ ओके ओके ओके। नहीं सामने मरीज बैठा, क्या करूँ, इसका सैंपल ले लूँ? जी हाँ जी ओके ओके। क्या कहा डॉक्टर साहब ने, कब होगा टेस्ट? कल। अच्छा आज आप अपना सैंपल दे दो। अपना सैंपल? अपना मतलब आपके ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का। अब ब्लड और यूरिन तो यही है, स्टूल मंगाना पड़ेगा। क्या? हाँ स्टूल दुकान पे है। कौन से स्टूल की बात कर रहे हैं आप? लकड़ी का स्टूल है मेरे पास। अरे वो स्टूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो स्टूल टेस्ट माने आपके मल की जांच होगी। क्यों? करनी पड़ेगी। पर क्यों?
और साथ में ब्रेन स्कैनिंग भी लिखो पटेल। क्यों भाई, ब्रेन स्कैनिंग क्यों? एक बार की बात समझ में नहीं आती है आपको? नहीं, आ गई मेरी समझ में। तो ठीक है पटेल, ब्रेन स्कैनिंग कैंसिल लिखो और ये 5,000 रुपये आप जमा करा दीजिए। 5,000? और साथ में अस्पताल का 3 दिन का बिल भी 3,000। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई ज्यादा कहाँ है, जरा सा पेट में दर्द हुआ था भाई मेरे, और मतलब इतना बिल भर रहा हूँ मैं, इतना बिल भर रहा हूँ मैं। आपको इतना लग रहा, हमसे पूछो कितना। कितना है वो जांच के बाद पता लगेगा। नहीं नहीं, मैं तो बाहर से टेस्ट करा लूंगा भाई, मैं नहीं दूंगा पैसे। अरे देखो दे दो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो तुम्हारी जांच होगी या तो नहीं होगी। होगी कहाँ से, और नहीं हुई तो दो बातें होगी, या तो तुम्हारी बीमारी का पता लगेगा या तो नहीं लगेगा। लगेगा कहाँ से और नहीं लगा तो दो बातें होगी, या तो तुम अच्छे होंगे या तो बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। अच्छे हुए तो अच्छा है, मगर बिल्कुल अच्छे हो गए तो फिर दो बातें होंगी, या तो तुम्हारा दाह संस्कार होगा या तो तुम्हारी डेड बॉडी को किसी मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा। डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में दिया तो ठीक, मगर दाह संस्कार हुआ तो दो बातें होंगी, या तो दाह संस्कार फुकट में होगा या तो 10-12 हज़ार का खर्चा करके पूरी विधि के साथ होगा। किसी ने फुकट में जला दिया तो ठीक, मगर खर्चा किया तो भाई देखो खर्चा तो होगा ही, फिर मरने के बाद करना है या जीते जी करना है ये आपको सोचना है। क्यों पांडे जी? हाँ दे दो। ठीक है दे देता हूँ, मुझे बीमारी क्या है? रिपोर्ट की जांच के बाद पता लगेगा। मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपका। क्या? बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। क्या? एसटीडी। तो डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है? घबराइए मत। या डॉक्टर जॉब, या शुक्ला फ्रॉम इंडिया। बाहर के देश बात कर रहे हैं। आराम से, आराम से। पर मुझे हुआ क्या है? यस सर, देयर वन कॉम्प्लिकेटेड मामला सर। हाँ, पेशेंट इज टेलिंग पेट में पेनिंग, ब्लड टेस्ट आर शोइंग नथिंग, या स्टूल टेस्ट एंड स्टॉन टेस्ट इज आर रॉन्ग। यस सर, एंड यूरिन टेस्ट एंड सीटी स्कैन इज ऑल्सो रॉन्ग सर। यस सर। ओ नो, क्या हुआ डॉक्टर? ओके ओके सर, ओके सर। खैर सर, हाउ इज नर्स लिली सर? अगेन प्रेग्नेंट सर? दिस टाइम नॉट माइन सर, प्लीज सर। ओके, यस सर। क्या हुआ डॉक्टर? भैया तुम्हारा तो हमने जो है मामला जो है लंदन के डॉक्टर से कंसल्ट किया है। क्यों सर? यार तुम्हारा सब टेस्ट दोबारा करना पड़ेगा। क्या? हाँ, चिंता मत करो, हम हारेंगे नहीं, हम टेस्ट करते रहेंगे। कब तक? जब तक कुछ निकलेगा नहीं। तो क्या निकालना चाहते हैं? 5,000 फीस। क्या? हाँ, मतलब ये डॉक्टर जॉर्ज का चार्ज है ना। डॉक्टर चार्ज का चार्ज? हाँ, जिनसे अभी तुम्हारा केस डिस्कस किया। तो मुझे हुआ क्या है डॉक्टर? तुम्हारा सारा टेस्ट दोबारा लेना पड़ेगा, शायद कुछ निकल जाए। आराम से, आराम से। बड़ा पतला ब्लड है तुम्हारा। अब डॉक्टर साहब पिछले 10 दिन से तो ग्लूकोज़ लगाए हुए, तो ब्लड क्या ग्लूकोज़ ही तो निकलेगा, पर हुआ क्या है? अरे वही तो जांच होगी। तीसरी बार कर रहे हैं आप? अरे भाई एक बार में अगर बीमारी का पता चल जाए तो फिर बात ही क्या। मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? हाँ, इसी वक्त ऑपरेशन करना पड़ेगा। उषा जी ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। पर किस चीज का ऑपरेशन? दर्द कहाँ है? पेट में। तो पेट का कर देंगे भाई। पर क्यों? आराम से मुसद्दी, आराम से। अरे भाई ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या हुआ है? आप इनके साथ हैं? जी। कृपया मेरे साथ आइए। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? यही तो, ऑपरेशन से ही सब ठीक हो जाएगा। मुसद्दी तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम क्या कर लोगे? हाँ, कर तो कुछ भी नहीं सकता हूँ, पर पैसे तो ला सकता हूँ। कहाँ से लाएगा बे? तुम्हारे बैंक से। कितने चाहिए? 50,000 टोटल बस। क्या? अरे देखो क्या क्या कर रहे हैं अभी, इनकी हालत खराब होने वाली है। उषा जी इनको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। यस सर। और सुनो, भाटिया से कहना एनेस्थीसिया दे दे, हम पान खा के आते हैं, पैसा जमा करा दीजिए। मुसद्दी चेक दे दो। दे दूंगा चेक भाई, ऑपरेशन के बाद तुम्हें ठीक हो जाऊंगा ना। अबे बिल्कुल है, ठीक हो जाओगे यार। क्या बात है मुसद्दी, पेट में दर्द हो रहा है? अरे मेरा पेट कहाँ है खुचर? वही जहाँ तब था जब तुम यहाँ आए थे। तुम यहाँ कब आए थे? याद नहीं है। अरे भाई तुम मेरा फली खाते रहते हो। अरे भाई तुमको मना है ना? क्यों मना है? वो मीठे होते हैं ना। तो क्या हुआ? अरे तुमको डायबिटीज हो गई है। इतना ग्लूकोज चढ़ाओगे तो किसी को भी शक्कर हो जाएगी। क्या पेट में दर्द है?
नहीं, पेट को छोड़ के बाकी सारी बॉडी में दर्द हो रहा है। कैसा लग रहा है मुसद्दी? अरे खोचर, यहाँ ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली खाली है। अरे एकदम फ्रेश किडनी आई है सर। यस सर, बस अभी अभी निकाला है सर। 3 लाख सर। ओके सर। सर नहीं, बीमार बिल्कुल नहीं है सर, बस अपेंडिक्स है सर, ना टच भी नहीं किया सर। दोबारा बुलाना ना सर। ओके सर। एक मरीज आया तो एडमिट कर दो ना, पेट में दर्द है तो ऑपरेशन कर दो। अब मेरे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं। गुड, अच्छी रिकवरी कर रहे हैं आप। अब मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? अरे यार, यहाँ से जाने की क्या जरूरत है, मेरी जान अपना घर समझो। नहीं, पर अब मैं घर जाना चाहता हूँ। ओके ओके, उषा जी ये कब घर जा सकते हैं? जाने दीजिए ना, बहुत दिन हो गए सर। ठीक है फिर, भाटिया जी इनका बिल बना दो। एकदम रेडी है सर, ये लीजिए। ए भाई थैंक यू तुम्हारा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अरे यार देखिए क्या बात करें, मेरा कसम ऊपर वाले का, ऊपर वाले ने किया। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप तो हमारे भगवान हैं। देखिए मतलब आप मतलब चिंता मत करिएगा, बस आते रहिएगा जी। हाँ सुनिए। अरे आप, मुझे डॉक्टर शुक्ला से मिलना है। हाँ तो एडमिट हो जाइए। क्यों? अरे भाई तभी पता लगेगा ना। मुझे पता है, पता क्या करना है? क्या पता है? बड़ी कमजोरी है डॉक्टर साहब, कुछ काम नहीं हो पाता है, थक जाता हूँ। तो क्यों करते हो काम? काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो करो काम। करता हूँ तो थक जाता हूँ, पसीना भी आने लगता है। दर्द कहाँ होता है? दर्द तो कहीं नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता दर्द? क्यों मतलब? मतलब अब तुम मतलब ठीक है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, एडमिट हो जाओ। अरे एडमिट हो जाऊँ, मुझे क्या हुआ क्या है? अरे ये तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा ना भाई। टेस्ट? ओ नो, क्या हुआ? ओ माय गॉड डॉक्टर, हार गया। बात क्या है? किडनी कहाँ छोड़ा है आप? कहाँ छोड़ा है मैं? आपको एक ही किडनी है? कितनी होती है? कितनी होती है भाटिया? आजकल तो दो होती है। तो इनकी एक कहाँ चली गई? तो कहीं ना 3 लाख में। क्या किडनी कहाँ छोड़ा है आप? मुझे नहीं पता। अरे भैया आपकी एक ही किडनी है, वो भी डैमेज, डेंजर पे आप। डॉक्टर कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर कुछ करो प्लीज, कुछ करो। एक किडनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? बाहर पान की दुकान पे। क्या? अरे यार तुमको ऐसे पूछ रहे हो जैसे किडनी नहीं कद्दू खरीदने जा रहे हो, डोनेशन में मिलती है। अब कौन डोनेट करेगा? कोई नहीं करता। क्या? हम करवाएंगे। कैसे? जैसे आपकी करवाई थी। मतलब? जैसे हम आपकी करवाएंगे। अच्छा हाँ, कोई और चारा नहीं है डॉक्टर? नहीं नहीं नहीं, जल्दी बोलो भाई, किडनी अरेंज करनी पड़ती है। डॉक्टर जान है तो जान है। डॉक्टर जी देखिए हम ऑपरेशन करेंगे। उषा जी, उषा जी जी सर, इनको लेके जाइए जी, संभाल के। जी सर चलिए, आइए आराम से संभाल के। सर ऑपरेशन तो करने जा रहे हैं लेकिन किडनी है कहाँ, कोई आया नहीं निकलवाने के लिए। अबे इधर वाले को इधर लगा देंगे। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि वो डैमेज है इसकी। अबे डैमेज मेरी किडनी है भाटिया। अरे इतना हट्टा कट्टा पहलवान आदमी है, तू जाकर 200 पाल लिया। ऑपरेशन करने जा रहे हैं? चुरे कर पटा। अरे इतने साल से जानता हूँ सर आपको, ऑपरेशन के टाइम में मरीज को एनेस्थीसिया और आपको पान लगता है। कैसा महसूस कर रहे हो? क्या? अबे पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है? पहले से तो अच्छा लग रहा है। हाँ तब तो गुड है। अब डॉक्टर साहब मैं कब घर जा सकता हूँ? ये भी तो तुम्हारा घर ही है। हाँ अब तो ऐसे ही लगने लगा है डॉक्टर साहब। यही तो, तुम चले जाते तो हमारा मन नहीं लगता ना। अरे ताजे ताजे फल हर कोई थोड़ी लाता है। वो तो ठीक है पर घर तो जाना ही पड़ेगा, 2 महीने से दुकान बंद है, धंधा नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? ओ बेटा इसको जाने दो, कमाएगा नहीं तो बिल कहाँ से देगा? यही तो बेटी जी बिल दो ना। हाँ ये बिल एकदम रेडी है सर, ले लीजिए। 50,000? हाँ अस्पताल का। तो इतना ज्यादा क्यों? अरे ये देखो, ये जो तुम्हारा किडनी ट्रांसफर किया था ना उसका ये बिल है। 3 लाख? अरे नहीं बदलते तो 3 दिन में 13वीं हो जाती। पर इतने पैसे मैं लेके कहाँ से आऊंगा? अपनी जेब से। आई 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 आराम से मुसद्दी, आराम से। आई मेरा दिल। आई डॉक्टर कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। पहले एडमिट तो हो जाओ। एडमिट तो मैं हूँ। टेस्ट कराओ। टेस्ट हो चुके हैं।
सर सर लगता है इनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके लिए तो 5 लाख और लगेगा। ओ मिरेकल हो गया, ये तो बगैर एनेस्थीसिया के बेहोश हो गया। नहीं देख कल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।